सब्सक्राइब करें टेक स्टार के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चाय पीना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जिस चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है चाय। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसे पीते ही हमारा दिन पूरा अच्छा हो जाए। अगर सुबह की चाय हो तो दिन पूरा अच्छा जाता है, मूड हमारा फ्रेश रहता है। पर यही चाय हमारे बीमारी होने का कारण बन सकती है, जैसे कैंसर। माना जाता है कि एक दिन में 3 से अधिक कप चाय पीने से बीमारियाँ फैल सकती हैं। जो बच्चे चाय पीते हैं उन चाय में चीनी होती है, उनके दांत में कीड़े लग सकते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो चाय खराब करती है। दोस्तों चाय में कैफीन होता है जिसके कारण बहुत ही क्या कहते हैं कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये रिसर्च चाय की रिसर्च करने वाले ब्रिटिश साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मानना है कि चाय पीने से कैंसर हो सकता है, खासकर गर्म गर्म चाय पीने से। और उन्होंने कहा है कि एक दिन में 3 से ज़्यादा चाय नहीं पी सकते। दोस्तों इस वायरल खबर में सभी को हिलाकर रख दिया है। चाय पीने से सच में कैंसर हो सकता है, इसमें सच में हो सकता है, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। और हमें एक दिन में कम से कम 2 कप चाय पीनी चाहिए और बच्चों को 1 कप, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और अपना ध्यान रखें और चाय को मत भूलें। चाय कम से कम आप बड़े लोगों को 2 कप चाय प्रतिदिन पीनी है और बच्चों को 1 कप चाय, क्योंकि चाय में चीनी कैफीन होता है और क्या कहते हैं ये कैल्शियम भी पूरा नहीं करती बच्चों में, ये इसमें कैल्शियम भी ख़त्म होता है। गर्म गर्म चाय बच्चों को मत पिलाएं और कम से कम 1 कप ही चाय पिलाएं दिन में, और आप सभी लोग 2 कप चाय पीएं वरना आपको कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। बाय। चलिए हम अब ग्रीन टी की बात करते हैं। दोस्तों ग्रीन टी तो बनानी बहुत आसान है, उसमें 2 पत्ते डाले, पानी में उबाल दिए। ग्रीन टी पूरे फायदेमंद है और सुरक्षित है, ये पूरे विटामिन का भंडार है। ग्रीन टी पीने से हमारी सेहत पूरी अच्छी रहती है, ये साइंटिस्ट वालों ने प्रूव कर दिया है। वही हमारी गर्म गर्म चाय जो सुबह की होती है वो कैंसर का कारण बन सकती है, क्योंकि इसमें कैफीन जैसी कई चीज़ें होती हैं जो ये हमें कैल्शियम भी पूरा दे नहीं सकती। वही ग्रीन टी दे सकती है, वो हमारे बेली फैट को भी कम करती है, और जो हमारी नॉर्मल की सुबह की चाय है वो हमारे फैट को बढ़ा सकती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी लोग इस कैंसर से गुजरे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम ऐसी और वीडियोस के साथ मिलेंगे वायरल खबर के साथ।